सो हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ थोड़े अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट के अति स्वागत करते हैं सारा एक बार तो फिर इस चैनल उत्ते। सो वीडियो शुरू करने पहले रिक्वेस्ट है कि जो विद्यार्थी इस चैनल के पहली बार इन्होंने चैनल में सबसक्राइब कर लेने के नाल ही बैल आइकॉन पर क्लिक कर लें तो जी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो सब तो पहले मिल रहे। सो इस चैनल पर पी एस टैट एस टैट एंड मास्टर ग्रेड की प्रिपरेशन करवाई जाती है। सो घर बैठे ही वधिया तरीके प्रिपरेशन करने के लिए चैनल में सबसक्राइब करना ना भुल्यो। सो मास्टर ग्रेड के साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी पोलीटिकल साइंस इकनोमिक्स इंग्लिश दिया वीडियोज़ इस चैनल उत्ते अपलोड की हुई ने वो तुम जो प्लेलिस्ट के जाके देख सकते हैं। सो और लाइव क्लास की जो टाइमिंग है 5:30 बजे एस एस टी की हैगी है, 2 दिन हिस्ट्री की क्लास होंगी है, 2 दिन पोलीटिकल साइंस की, और 8 बजे जी डेली पंजाबी की क्लास होंगी हैगी है। तो तुम अपने विषय के अकॉर्डिंग जरा लाइव क्लास के भी आ सकते हैं, बाकी दारिया क्लास फिलहाल ऑफलाइन है। सो अज का सैशन साडा इंडियन इंग्लिश राइटर्स के नाल संबंधित है, पार्ट नंबर 6 है और 25 क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ने, और इसके नाल ही होर भी बहुत सारी जी इनफॉर्मेशन वो इस स्टेज विच ऐड की हुई है जो कि तुहाडे लई काफ़ी हैल्पफुल रहेगी। सो इस तो पहला 5 जिहड़े पार्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं वो तुसीं जिहड़ा प्लेलिस्ट के जाके देख सकते हो। सो अज का फस्ट क्वेश्चन है साडा 26 नंबर, अनिता देसाई इज नावल वॉइस इन द सिटी इज इन इज सेट इन। सो अनिता देसाई का जिहड़ा नावल आ वॉइस इन द सिटी, सो किसते है जिहड़ा वो? सो ऑप्शन 1 है जी मद्रास विखे, ऑप्शन 2 है मुंबई, ऑप्शन 3 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है डी है कलकत्ता। सो राइट आंसर है जी डी, कलकत्ता दे विच जिहड़ा अनिता देसाई का नावल वॉइस ऑफ द सिटी है वो सैट हैगा कलकत्ता विखे। सो अनिता देसाई बॉर्न अनिता मजूमदार, बॉर्न इस जिहड़ा हैगा 24 जून 1937 इज एन इंडियन नॉवलिस्ट एंड द अमेरिटना जॉन ई बॉर्च वॉर्चर्ड प्रोफेसर ऑफ ह्यूमनिटीज एट द मानचेस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट 27 नंबर, नॉर्डे मनीषा एंड अमिला आर करैक्टर्स इन, किस नावल दे विच करैक्टर ने जी नॉर्डे मनीषा और अमला? सो ऑप्शन 1 है जी टू होम शी विल, ऑप्शन 2 है वॉइस इन द सिटी, ऑप्शन 3 है द गाइड, और ऑप्शन 3 है बाय बाय ब्लैक बर्ड। सो राइट आंसर है सी द गाइड के नॉर्डो मनीषा अमला करैक्टर्स ने जी। नैक्सट 28, कालू ए ब्लैक स्मिथ इस करैक्टर इन, सो किस दे विच है जी? सो ऑप्शन 1 है जी टू होम शी विल, ऑप्शन 2 है हु राइड्स ए टाइगर, ऑप्शन 3 है ट्रेन टू पाकिस्तान, ऑप्शन 3 है द गाइड। राइट आंसर है सी ट्रेन टू पाकिस्तान दे विच कालो ए ब्लैक स्मिथ इज ए करैक्टर। ना 29 है जी मीरा इज ए करैक्टर, ऑप्शन 1 है जी द गाइड, ऑप्शन 2 है टू होम शी विल, ऑप्शन 3 है ट्रेन टू पाकिस्तान, ऑप्शन 3 है ए गॉडेस नेम्ड गॉलेट गोल्ड। सो सही आंसर है जी डी, सो मीरा जी करैक्टर हैगी अगे गॉडेस एकॉर्डस नेमन गोल दे विच। नेक्स्ट 30, हु कंट्रीब्यूटेड रेगुलरली टू यंग इंडिया, सो किसने जिहड़ा कंट्रीब्यूट किया है यंग इंडिया के लिए? सो ऑप्शन 1 है जी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है राजा राव, ऑप्शन 3 है सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन 3 है जी कमला मारकांडिया। सो राइट आंसर है जी ए बी, यंग इंडिया के लिए रेगुलर जिहड़ा कंट्रीब्यूट किया गया है राजा राव के वल्लों किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट है 31, हु इज़ द राइटर ऑफ द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ रिलीजन्स इन इंडिया? सो ऑप्शन 1 है जी सुधीर घोष, ऑप्शन 2 है काशी प्रसाद, ऑप्शन 3 है राजा राव, ऑप्शन 3 है जी डॉक्टर राधा कृष्णा। सो राइट आंसर है जी डी, सो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ रिलीजन्स जो है इंडिया के डॉक्टर राधा कृष्णा की लिखी हुई रचना है। नेक्स्ट है राधा कृष्ण, सो इन्हों का नाम एस राधा कृष्ण है, सर्वपाली राधा कृष्ण इन्हों का फुल नेम हैगा जी, और 5 सितंबर 1888 इन्हों का जन्म होया, 17 अप्रैल 1975 इन्हों की डैथ हो गई सी। ही वाज इन इंडियन फिलोसफर है, एकेडमिक और स्ट्रेस्ट मैन हैगा, हू सर्वड इज़ द फस्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया 1952 and 1962 एंड द सैकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया 1962-1967।
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1962 ਤੱਕ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜੀ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ। ਹੂ ਰੋਡ ਦਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਐਨ ਅਨਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਅਨਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਚੌਧਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਦ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਇਨ ਅਨਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ। ਸੋ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦਰਾ ਨੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਜੋ ਹੈ 23 ਸਤੰਬਰ 23 ਨਵੰਬਰ 1898 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡੈਥ 1 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮਿਨਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ 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 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ। ਚੌਧਰੀ ਅਥਰਾਈਟ ਨੰਬਰਸ ਵਰਕਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਬੰਗਾਲੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੋਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਐਨ ਅਨਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਬਲਿਸ਼ ਇਨ 1951, ਸੋ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਹੂ ਰੋਟ ਪਾਸ ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਰ ਕੇ ਨਰਾਇਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਦੇਸਾਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਰੁੱਥ ਜਾਂਬਲਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਦ ਚੌਧਰੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਟੀ, ਨਾਰਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਸੋ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਰਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਨ ਅਨਨੋਨ ਇੰਡੀਆ 1951, ਅਤੇ ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ 1959, ਦ ਕੰਟੀਨਿਊਟ ਆਫ ਸਰਕਸ 1965, ਦ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 1967, ਟੂ ਲੀਵ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਲੀਵ 1971, ਸਕੋਲਰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦ ਰਾਈਟ ਹੋਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਸ ਵਲੂਰ ਸਪੀਸੀ 1974, ਕਲਚਰ ਇਨ ਦਾ ਵਿਨੈਟੀ ਬੈਕ 1976, ਸਿਲਕ ਲਾਈਫ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1975, ਸੋ ਨਾਦਰ ਬੁਕਸ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਏ ਰਿਲੀਜਨ ਟੂ ਲੀਵ ਬਾਈ 1979, ਦ ਹੈਟ ਗ੍ਰੇਟ ਅਨਾਰਚ 1987, ਥਰੀ ਹੋਰਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਅਪੋਲੋਪਾਇਸਿਸ 1997, ਦ ਈਸਟ ਇਜ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਇਜ ਵੈਸਟ, ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਐਸੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਚਿਪਟਸ ਆਫ ਏ ਸੈਂਟਰਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਐਸੇ, ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰਨ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਐਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 34 ਨੰਬਰ, ਹੂ ਰੋਟ ਦਾ ਪਲੀ ਦ ਸਲੀਪ ਵਾਕਰ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਮ ਇਜ਼ਰਕਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰ ਪਾਥਰਾ ਸ਼ਰਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਕੇ ਰਾਮੋਰਜਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮਲਾ ਦਾਸ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਏ ਨਿਸਾਮ ਇਜ਼ਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਸਲੀਪਰ ਵਾਕਰ। ਸੋ ਨਿਸਾਮ ਇਜ਼ਰਕਲ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ 16 ਦਸੰਬਰ 1924, ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 9 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਵੇਸਿਸ ਪੋਇਟ ਐਕਟਰ ਪਲੇ ਰਾਈਟਸ ਐਡੀਟਰ ਐਂਡ ਆਰਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ, ਹੀ ਵਾਜ ਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਗਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਕਲ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹੀ ਵਾਜ ਅਵਾਰਡਡ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਇਨ 1983 ਫੋਰ ਹਿਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟਰ ਡੇ ਪਸਲਿਮਸ ਬਾਏ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰ। 35 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਗੈਨਿਸਟ ਇਨ ਫੋਰਨਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੋਸਫ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੀ ਉਬਰਾਏ। ਸੋ ਫੋਟੋਗੈਨਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਨਰ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੀ ਉਬਰਾਏ। 36 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੂ ਰੋਟ ਤੰਤਰਾਨਾਮਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਸਲੇ, ਅਲੇਨਸੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਡੀਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਚਾਰਲਸ ਕਿੰਗਸਲੇ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੀ ਟੋਟਰੇਨਾਮਾ।
ਅਰਬਨ ਅਲੀ ਸਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਹਿਜ਼ ਨੋਵਲ ਦ ਐਵਰੈਸਟ ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਜ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿਸਟ ਫੋਰ 1998 ਬੁਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਐਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲਾ ਮਾਰਟਿਨ ਸਕੂਲ ਇਨ ਲਖਨਊ ਐਂਡ ਦੈਨ ਔਨ ਇਟ ਸੈਂਟ ਸਟੀਫਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹੀ ਵਾਜ ਵਰਕਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ USA, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹੂ ਰੋਡ ਦਾ ਟੂ ਲਾਈਫ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰ ਕੇ ਨਰਾਇਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਦਸਾਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿਸ ਚੌਧਰੀ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀ, ਟੂ ਲਿਵ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਲਿਵ ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਰਿਸ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਡਫਕੋਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਅਵਾਰਡ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੰਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਦਲਿਤ ਫਰੋਮ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਪੁਰਸਕਾਰ 1997 ਬਾਏ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਡੀਸੀ ਕੋਟਮਾ ਇਨ 1997 ਬਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾ ਭਾਰਤੀ। ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 38 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਐਨ ਐਸੇ ਔਨ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਐਨ ਐਸੇ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੀ ਐਨ ਐਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 39 ਨੰਬਰ, ਹੂ ਰੋਟ ਹੀਟ ਐਂਡ ਡਸਟ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦਸਾਨੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰ ਕੇ ਨਰਾਇਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਦਸਾਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂਬਲਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂਬਲਾ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਹੀਟ ਐਂਡ ਡਸਟ ਦੀ। ਸੋ ਰੁਥਰ ਬਰਾਵਰ ਜਾਂਬਲਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਈ 1927 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡੈਥ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ। ਹੀ ਵਾਜ ਏ ਜਰਮਨ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਿੰਗ ਨੋਵਲਿਸਟ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰਸ ਐਂਡ 2 ਟਾਈਮਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਰ। ਸੀ ਐਚ ਪ੍ਰੇਪਿਸ਼ ਬੈਸਟ ਨੋਨ ਫੋਰ ਦਾ ਹਰ ਲੋਂਗ ਕਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਮਾਰਚਨ ਲੋਬਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ, ਮੇਡ ਅਪ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇਮਸ ਲੋਬਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਸਮੈਲ ਮਰਚੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 1969 ਦਾ ਗੁਰੂ, 1977 ਦੇ ਬੋਂਬੇ ਡਾਲਕੀਸ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸਸ, 1977 ਰੋਸਲੈਂਡ, 1978 ਹਲੂਬਲ ਓਵਰ ਜਾਰਜੀ ਐਂਡ ਬੋਨੀਸ ਪਿਕਚਰਸ, 1979 ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਅਸਟਿਨਸ ਐਂਡ ਮਹਾਤਨ, 1981 ਕੁਆਟਰਸਟ, 1983 ਹੀਟ ਐਂਡ ਡਸਟ, 1984 ਦਾ ਬੋਸਟੇਨੀਅਨਸ, 1985 ਏ ਰੂਮ ਵਿਦ ਏ ਵਿਊ, 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਡਿਨ ਸੁਜੁਤਕਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਿਜਸ, 1992 ਹਾਵਰਡ ਐਂਡ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਿਮੇਨਸ ਆਫ ਦਾ ਦੇਸ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਫਰਨ ਇਨ ਪੈਰਿਸ, 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਪਿਕਸੋਕਸ, 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਸ਼ੋਲਜਰ ਆਫ ਡਾਟਰ ਨੈਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦ ਗੋਲਡ ਬਾਲਸ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਡਿਵੋਰਸ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਅਰ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 40 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਰੋਡ ਦਾ ਆਇਲੋਗ੍ਰਿਕਲ ਪਲੇ ਹਾਲੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬੀ ਦਸਾਨੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਦਸਾਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਪਟੇਲ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਦਸਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਪਲੇ ਹਾਲੀ ਦੇ। ਗੋਵਿੰਦਾਸ ਵਿਸ਼ਨੂਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 1990 ਵਿੱਚ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਨ ਓਨਲੀ ਐਸ ਜੀ ਬੀ ਦਸਾਨੀ ਵਾਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਨੋਵਲਿਸਟ, ਪਿਓਰਟ ਐਂਡ ਕਿਊਟ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮੈਂਟਰ। ਹੀ ਵਾਜ ਏ ਬੋਰਨ ਇਨ ਕੀਨੀਆ, ਰੀਅਰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਕਮ ਆਫ ਏਜ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਨ।
नैक्सट है 41 हू रोड द प्योम द नाइट ऑफ द स्कोपिन स्कोपिन। सो ऑप्शन एक है जी जे महापात्रा, ऑप्शन बी है जी आर के ए के रामार्जुन, ऑप्शन डी है सी है जी की भी की दारू वाला, ऑप्शन डी है जी निसाम ने एग्जैक्टली। सो राइट आंसर है जी इसका डी निसाम एग्जैक्टली जेडे राइटर ने जी द नाइट ऑफ द स्कोपियन। सो कुछ होर रचनावान सो बुक्स ने इन्हें दिया जी 1952 दे विच टाइम टू चेंज, 1953 दे विच 60 प्यूम्स, 1956 दे विच द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1959 दे विच द थर्ड, 1960 दे विच द अनफिनिश्ड मैन, ऑफ 1965 दे विच द एग्जैक्ट नेम, 1974 दे विच स्नेक्सकिन एंड अदर प्यूम्स ट्रांसलेशन फॉर द मराठी प्योर इंदिरा संत, 1976 दे विच हेमंड्स इन डार्कनेस, 1982 दे विच लेटर डे प्लाजम, 1989 दे विच कलेक्शन फ्यूम प्योम्स, 1952 1980। सो कुछ होर प्योम्स इन्हों दी जिहड़ी हैगी ने द कपल इंटरप्राइज ए टाइम ऑफ चेंज टाइम टू चेंज फिलोसफी आईलैंड फॉर अलकाना द प्रोफेसर शॉप मैरिज। सो ये प्योम्स ने इन्हों दी जी कुछ होर प्योम्स ने इन द कंट्री कोर्ट्स द पैराडाइज फ्लाई कैचर्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियंस गुड बाय पार्टी फॉर द मिस पुष्पा टी सी और इंटरप्रिंट इंटरटेनमेंट पास द बेस्ट वन बैकग्राउंड कॉस्टली प्योर लवर एंड ब्राइट पार्चर। सो 42 क्वेश्चन नंबर है जी हु रोट ए रेन ऑफ स्ट्राइड्स। ऑप्शन एक है जी के की दारू वाला, ऑप्शन बी है जी निजाम एग्जैक्टली, ऑप्शन सी है जी जंत्रा महापात्रा, ऑप्शन डी है जी ए के राम नजान। सो डी ए सी आंसर सही है जी जयंता महापात्रा जो इसके राइटर ने जी ए रेन ऑफ राइट्स। सो जयंता महापात्रा बॉर्न 22 अक्टूबर 1928 है जी। सो मेजर इंडियन इंग्लिश प्यूट्स ही इज़ द फर्स्ट इंडियन प्यूट टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश प्योट्री। सो इंपॉर्टेंट है ही इज़ द ऑथर ऑफ पॉपुलर प्योम सच इंडियन समर्स एंड हंगर्स विच आर रिगार्डड एज क्लासिक इन मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जयंत्र महापात्रा वॉज अवार्डेड पद्मश्री द फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन ऑनर्स इन इंडिया 2009। हाउएवर ही रिटर्न द पद्मा अवार्ड इन 2015 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग इंटोलरेंस इन इंडिया। सो इन्होंने अवार्ड जो 2015 अपना वापस कर दिता से। नैक्सट है जी 43 नंबर हू रोड द कॉन्टीनेंट ऑफ सर्कल। सो ऑप्शन एक है जी एम के गांधी, ऑप्शन सी बी है जी जवाहर लाल नहरू, ऑप्शन सी है राजा राव, ऑप्शन डी है नरसिंह चौधरी। सो राइट आंसर है जी सी डी नरसिंह चौधरी जो इसके राइटर ने जी द कॉन्टीनेंट ऑफ सर्कल्स। 44 नंबर क्वेश्चन नेम द प्रिंसिपल करैक्टर्स इन रामा मेहता इज नावल इन साइड द वैली। सो ऑप्शन ए है जी सीता, ऑप्शन बी है जी मालती, ऑप्शन डी है गीता, ऑप्शन डी है जी भारती। सो सही आंसर है जी बी मालती इस करैक्टर है जी प्रिंसिपल का रामा मेहरा मेहता नावल इन साइड द हवेली। 45 नंबर क्वेश्चन है जी हु इज़ द ऑथर ऑफ द नावल द पेंटर ऑफ साइंस। सो ऑप्शन ए है जी राजा राव, ऑप्शन बी है जी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन डी है आर के नारायणा, ऑप्शन डी है अनीता देसाई। सो राइट आंसर है जी सी आर के नारायणा इज द राइटर ऑफ द पेंटर ऑफ साइंस। सो आर के नारायणा का फुल नेम है जी रसीपुरम कृष्णा स्वामी लियर्स नारायणा स्वामी, ये फुल नेम है जी इन्हों का। सो 10 अक्टूबर 1906 में इन्हों का जन्म हुआ सी, 13 मई 2001 के डैथ हुई है। कॉमनली नोन इज आर के नारायणा वाज एन इंडियन राइटर नोन फॉर हिज वर्क सेट इन फिक्शन साउथ इंडियन टाउन्स इन मालगुडी। सो मालगुडी के लिए इन्हों का काफ़ी जरा नाम हो चलिया है। ही वाज ए लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलोंग विद मुल्क राजानंद एंड राजा नाम। सो प्रमुख जो रचनावान नावल ने इन्हों जी स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 हिमेश हैमिल्टन दी, और नैक्सट है जी द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 थॉमस नेल्सन, और नैक्सट है जी द डार्क रूम 1938 आयर्स, और नैक्सट है जी द इंग्लिश टीचर 1945 दे विच
ਮਿਸਟਰ ਸੈਂਪਥ 1948 ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟ 1952 ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ 1955 ਐਂਡ ਦਾ ਗਾਈਡ 1958 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਦ ਮੈਨ ਈਟਰ ਆਫ ਮਾਲਗੁਡੀ 1971 ਦ ਵਿੰਡੋਰ ਆਫ ਸਵੀਟਸ 1967 The Painter of Science 1977, The Tiger of Malgudi 1983, Targeted Man 1986, The Word of Nagaraj 1999, Grandmother is Tall 1992. So, ये कुछ प्रमुख नाम लेने होना दीजिए. Next है जी 48 number question. Who wrote the old playhouse and other poems? So, option क्या है जी कमला दास. Option B है A.K. Ramanujan. Option D है जी कमला मार्कडेन. ऑप्शन डी है जी आदिल जसवाला. सो डी ए आंसर सही है जी कमला दास की लिखी हुई रचना है जी ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पियम्स. सो कमला सॉरी बॉर्न इन 31 मार्च 1934 इन डेथ जी हुई 31 मई 2009 ओवरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम मधु मधु विकोती एंड मैरिड नेम कमला दास वॉज एन इंडियन प्योट इन इंग्लिश एज वेल एज ऑथर ऑफ द मलायम और फ्रॉम केरला इंडियन हर पॉपुलरिटी इन केरला इज बेस्ड चीफली ऑन हर शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफी वाइल हर ऑब्जर्व इन इंडिया रिटन अंडर द नेम कमला दास इज नोटेड फॉर द प्यूम्स एंड एक्सप्लिक्ट ऑटोबायोग्राफी सी वॉज ऑल्सो वाइडली रीड कम्युनिस्ट columnist and wrote on diverse topics including women's issues and child care and politics among others so novel ona de kuch pramukh ne ji so first hai 1976 de vich alphabet of the last hai swatography hai ji unna di 1976 de vich my stories or ninth short story hai ji 1977 de vich a doll for child prostitutes on 92 de vich padmavati द हारलोड एंड अदर स्टोरीज और ब्यूटरीज है 1964 द सरीन 1965 समर इन कलकत्ता 1967 द डिस्कैंडर्स 1973 द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर प्यूम्स एंड 1977 द स्ट्रेंजर टाइम्स और 1979 टू नाइट दिस सेवेज राइट्स और 1984 कलैक्शन प्यूम्स कलैक्टड प्यूम्स एंड 1984 द अनामलाई प्यूम्स एंड 1997 ओनली सॉल नाउ हाउ टू सेम 1999 माई मदर इट 66 और 2001 या अल्लाह 74 नंबर क्वेश्चन है जी नेम द हीरोइंस ऑफ द अनीता साई रीसेंट नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे ऑप्शन एक है जी माल्टी ऑप्शन बी है गीता ऑप्शन डी है तारा ऑप्शन डी है जी नन ऑफ दी सो राइट आंसर है जी गीता 48 नंबर क्वेश्चन है हू रोड द नावल आज़ादी सो ऑप्शन ए है जी रथ जम्बाला ऑप्शन बी है खुशवंत सिंह ऑप्शन डी है राजा राव ऑप्शन डी है जी चमन लाल सो राइट आंसर है जी चमन लाल जिन्होंने लिखा है आज़ादी नाम का नावल सो हाउडा हवादना इज प्ले बाय ऑप्शन एक है जी चमन लाल ऑप्शन बी है गिरीश कर्नाट ऑप्शन डी है सी है जी राजा राव ऑप्शन डी है कमला मार्कंडेय सो राइट आंसर है जी बी गिरीश कर्नाट के द्वारा लिखा गया है हवाना डाटा प्लीज सो 50 नंबर क्वेश्चन है जी बाय बाय ब्लैक बाइड 1971 विच हाईलाइट द कॉलर प्रॉब्लम्स इज रिटन बाय ऑप्शन एक है जी चमन लाल ऑप्शन बी है जी जी बी दसनाई ऑप्शन डी है सी है जी कमला मार्कांडे ऑप्शन डी है जी अनीता देसाई सो राइट आंसर है जी डी अनीता देसाई इसके राइटर ने बाय बाय ब्लैक वाइट सो थैंक यू जी सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो so, वीडियो में लाइक करना शेयर करना और कमेंट के अपने सुझाव देना ना भूलिया करो जी ने और जो विद्यार्थी नवे सो चैनल सबसक्राइब करना ना भूलियो थैंक यू सो मच जी